हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अमोनिया, हाउ अमोनिया इज प्रोड्यूस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल और केमिकल एंड व्हाट आर इट्स यूजेस और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो अमोनिया गैस होती है वो अमोनिया गैस एयर में होती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, ट्रेसेज में कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो अमोनिया होती है उसकी कुछ अमाउंट मिट्टी के अंदर सोइल में भी पाई जाती है। तो अब बात यह है कि भाई सोइल में कहां से आती होगी अमोनिया गैस, तो जो अमोनिया गैस है वो कहां से आती है मिट्टी के अंदर, फ्रॉम यूरिया। जो यूरिया हम डालते हैं, ठीक है, वो यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और जो फर्दर डिकम्पोज होकर के वापिस अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। तो अब हम बात करते हैं कि लैब में किस तरीके से इसको बनाया जाता है, लैब प्रिपरेशन मेथड कौन से हैं अमोनिया गैस को बनाने के। क्लियर है, तो जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास वो आता है बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस की, जो अमोनियम साल्ट है हम उनकी रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ। ठीक है, अब जैसे भी अमोनियम साल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो एसिड और जो बेस में जो रिएक्शन होती है, लाइक अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये अमोनियम साल्ट हो गए। अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से अमोनिया गैस इवॉल्व होगी प्लस एक और साल्ट बन जाएगा NaCl और प्लस वॉटर, तो हमें जो अमोनिया गैस चाहिए थी वो मिल गई हमें। ठीक है, ऐसे जो अमोनियम सल्फेट है उसकी रिएक्शन करवाऊंगा, कोई दूसरा बेस ले लेता हूं लाइक KOH, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, एक साल्ट बनेगा, अमोनिया गैस तो बनेगी, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस साल्ट बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड प्लस 2H2। ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनिया गैस बन गया। तो सिंपल सा मैथड था ना कि जो अमोनियम साल्ट है हम उनकी रिएक्शन करवा देंगे बेस। भी जो अमोनियम साल्ट कैसे बना होगा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड, अमोनिया एक वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो जैसे इसके अंदर जो एसिड था, जो अनायन है हमारे पास क्लोराइड, वो तुरंत किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और हमें जो अमोनिया गैस थी वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है, सेकंड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बाइनरी का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि भाई बाइनरी होते क्या, बाइनरी का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ दो ही टाइप के एटम्स या एलिमेंट होंगे, मेटल का मतलब एक मेटल हो गया और नाइट्रोजन हो ही गया। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है इसका हाइड्रोलाइसिस, मुझे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, तो चार्ज बैलेंस किया हमने, तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, बेस बनेगा प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते, इसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस वॉटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहां से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। तो अब यहां पर इस मेथड से जो अमोनिया गैस बनती है ना, उसमें उस अमोनिया गैस में हल्का सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम मॉइस्चर को रिमूव कैसे करेंगे, उसको ड्राई कैसे करेंगे, ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इवन IIT में भी पूछा जा चुका है कि हम किस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे, तो ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, NH3 जो गैस है उसको हम किस तरीके से ड्राई कर सकते हैं, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे, जैसे कि H2SO4, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सब क्या हो गए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट हमने ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है जो इस गैस की कंपोजिशन या इस गैस का नेचर चेंज ना कर दे। अब ये बेसिक है, तो जो हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे वो भी बेसिक होना चाहिए, अगर गलती से मैंने H2SO4 या P2O5 ले लिया तो वो रिएक्शन करके साल्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकता हूं, बाय क्विक लाइम, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम जो है वो भी बेसिक होता है,
तो फिर अमोनिया गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और जितना भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर CaO के साथ रिएक्शन कर जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास नंबर थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा अमोनिया गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो कमर्शियल मेथड है, बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हेबर प्रोसेस आपने भी कई बार पढ़ी हुई है। तो अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि हम इस प्रोसेस में नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, अमोनिया गैस बनेगी, और ये जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। इसके लिए हम जो कैटालिस्ट है किसका यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं, मोलीबडेनम। ठीक है, जो मोलीबडेनम है वो क्या होगा, प्रमोटर होगा। जो प्रेशर है वो हम 200 ATM अप्लाई करते हैं और जो टेम्परेचर है वो हम 700 करके। तो ठीक है, तो ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये सब कहां से आए, हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमें टेम्परेचर चाहिए हाई, कि हमें प्रेशर चाहिए, कि क्या कुछ चाहिए हमें। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होंगी कि भाई जो रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, कि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या होंगे, अब हमने ये सब 11th में पढ़ा हुआ। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है और फिर हमें इसको चेंज करना है, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ये भाई हमें टेम्परेचर क्या रखना है। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी लो। देखो क्या होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है और फिर हम उसकी कंडीशन में चेंज करते हैं, तो वो रिएक्शन उसका अपोज करती है, वो अपने आप में चेंज नहीं होने देना चाहती। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में भाग जाएगी जहां पर टेम्परेचर कम है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में भाग जाएगी जहां पर प्रेशर कम होगा, मतलब कि उसको अपोज करेगी, उसको बैलेंस, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो प्रोडक्ट होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और एक्सोथर्मिक में किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रोडक्ट साइड ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कहता है कि फॉर ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। जो लो टेम्परेचर होगा वो फेवरेबल होगा, मतलब कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर हम लेके चलते हैं भाई, जिसके ऊपर हम इसे तो कम कर ही नहीं सकते ऑप्टिमम, वो 700 केल्विन। अब दिमाग में आएगा कि भैया क्या लो टेम्परेचर है, तो बहुत हाई टेम्परेचर, हमें जला भी सकता है, तो हमें इससे कम टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग भी तो तोड़नी है, वो कैसे टूटेगी, थर्मल डिकम्पोजिशन से। तो कहते हैं कि इसको कम से कम इतना टेम्परेचर तो हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर तो हमें रखना पड़ेगा, इससे कम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर की बात। अब प्रेशर का इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तब प्रेशर का इफेक्ट वहां पर जरूर होगा। ठीक है, तब प्रेशर का इफेक्ट वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो सेकेंड आता है हमारे पास प्रेशर, तो बिल्कुल यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है डिफरेंट है, रिएक्टेंट में 4 moles है और प्रोडक्ट में जबकि सिर्फ 2 ही moles है। तो अब देखो, जब मैं इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, हाई प्रेशर, तो जो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे बट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, पहले वॉल्यूम इतनी थी अब वॉल्यूम इतनी हो गई है, और मोल्स सेम ही है, वो तो उसके अंदर ही है ना। तो क्या कहता है कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के गिवन वॉल्यूम में कितने मोल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर 5 लीटर का है,
अब इसमें जो मोल्स है वो कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं, मतलब कि एक 5 लीटर में 10 मोल हुए तो एक लीटर में कितने हुए, 2 हुए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया और वो कंटेनर यहां तक आ गया, मतलब कि 2.5 लीटर कर दिया। मोल तो कितने रहेंगे, मोल तो 10 ही रहेंगे। तो अब जब 2.5 लीटर में 10 मोल है तो 1 लीटर में कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है कि गिवन वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं, क्योंकि टोटल मोल्स तो सेम है बट मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। सो द रिएक्शन विल शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स लोअर दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम थे ना, 2 ही मोल्स है और रिएक्टेंट में 4 मोल्स है, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ऑप्टिमम प्रेशर होगा, वो ऑप्टिमम प्रेशर कितना लेते हैं हम, 200 atm, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, 200 atm, नॉर्मल कितना होता है 1 और हम कितना लेंगे 200, उससे 200 गुना ज्यादा लेंगे। नंबर थर्ड है हमारे पास कैटालिस्ट। अब भाई हम टेम्परेचर को तो ले नहीं सकते हैं, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, आरहेनियस इक्वेशन। तो यहां पर हमने टेम्परेचर को कर दिया कम और स्पीड भी कम हो गई है, तो अब स्पीड को बढ़ाएंगे किसकी हेल्प से, कैटालिस्ट की हेल्प से। तो हमें रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैटालिस्ट का और आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कैटालिस्ट। अब हम इसकी एफिशिएंसी, ठीक है, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी भी अगर हमें बढ़ानी है तो हम प्रोमोटर का भी यूज कर देते हैं और एज ए प्रोमोटर हम क्या लेंगे, मोलिब्डेनम लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जरूर ध्यान रखोगे, हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से कुछ पूछ लिया जाए। तो सिंपल था, 11th का ही बेसिक था, यहां से क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रिपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि जो अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो हमने ये भी सब कुछ 11th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब कैसे निकालते थे, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो जो NH3 है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्यों आ गई हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं, सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट कर लो। तो 3 तो बॉन्ड बना रहा है वो, है ना, और एक क्या हो गया लोन पेयर, टोटल सम कितना हुआ, 4 हुआ। 4 का मतलब क्या हो गया, s, एक s का और 3 p के, और बेटा टोटल हो गए 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो शेप होगी वो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, पिरामिडल शेप, जो शेप होगी वो शेप आ जाएगी इसकी पिरामिडल शेप। तो NH3 है यहां पर, ठीक है, तो पिरामिडल शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की। अब बात करें भी बॉन्ड एंगल की, जो बॉन्ड एंगल नॉर्मली कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का, ठीक है। बट ड्यू टू दिस लोन पेयर देयर अकर्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। तो यहां पर रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से दोनों नजदीक नजदीक आ जाएंगे एंड बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस टू 107.8 डिग्री समथिंग, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेट होगा वो बॉन्ड एंगल ये आ जाएगा, क्लियर है ना, ये हो जाएगा इजिली। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, भैया फिजिकली कैसा होता है, क्या कुछ होता है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो सबसे फर्स्ट, इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर विच इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका, है ना, कलरलेस, हैविंग पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या हो गया, कि बहुत ही बदबूदार होता है, इसके अंदर से स्मेल आती है गंदी वाली,
तो ठीक है, इसलिए क्या हो गया कि हम इसको इसकी स्मेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी अमोनिकल मतलब एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो किसी से नहीं मिलती, तो जैसे ही हमें इसकी स्मेल आएगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहां से अमोनिया गैस लीकेज हो रही है। ठीक है, दूसरी, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वॉटर, इट इज हाईली सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज लाइटर देन एयर, एयर से ये हल्की होती है। ठीक है, तो ये चीज आप सब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकली कैसा नेचर है, किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, वो सारी बातें केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकली क्या होगा, कैसा नेचर शो करेगा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड होगा कि बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो फर्स्ट आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिक नेचर, फर्स्ट है इसका बेसिक नेचर। अब जो अमोनिया होती है वो बेसिक होती है क्योंकि जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, सो बिहेव एज बेस। इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगी, ये बेस की तरह बिहेव करती है। जैसे NH3+ वॉटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत ही वीक बेस होता है, जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है बहुत ही कम होता है, बहुत कम आयनाइज होगा। तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बेस। तो ये एक वीक बेस हो गया। ठीक है, सेकेंड है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद हैवी मेटल साल्ट, हैवी मेटल साल्ट। हैवी का मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा ना, मोलर मास ज्यादा होगा, तो उनके साल्ट के साथ ये रिएक्शन कर लेती, क्योंकि उनके साल्ट का नेचर हल्का सा एसिडिक होगा और ये फिर से बेसिक होगी, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बना, इसे FeCl3 है, ठीक है, आयरन क्लोराइड, इसकी रिएक्शन होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड और आयरन ओ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, ऐसे क्रोमियम क्लोराइड HCrCl3+ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर से सेम काम होगा ना, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और प्लस अमोनियम क्लोराइड, है ना, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एज ए लेविस बेस, कि जो अमोनिया होती है वो किसकी तरह काम करती है, लेविस बेस। अब लेविस बेस क्या होते हैं, डोनर होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज लेविस बेस। अब लेविस बेस जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हो, जैसे कि अमोनिया है, किसके साथ रिएक्शन करेगी, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो यहां पर सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, और इसके साथ इस वजह से क्या करेगी, ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी, है ना, मतलब इसने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए क्या बन गया, ये लेविस बेस। आयन मेटल आयन के साथ भी रिएक्शन कर जाती है ये, इसीलिए जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सॉरी जो मेटल साल्ट होते हैं वो इनके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, AgNH3+, और ये जो रिएक्शन है ये हेल्प करती है कटायंस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास जो AgCl है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो सोल्यूबल हो गया, जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, Cu NH3 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में मेटल आयंस को। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कि जो अमोनिया है उसका भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं हम। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन,
ऑफ अमोनिया। तो जो NH3 है उसकी इंजेक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ विद प्लेटिनम और रोडियम गैस, टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर 980, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर -3 था, यहां पर +2 चार्ज आ गया इसके ऊपर ऑक्सीडेशन से। रिएक्शन नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन, कि ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है और फिर से कंपाउंड बना लेगी। अब जो हैलोजन है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, या तो अमोनिया एक्सेस में होगी। ठीक है, तो एग्जाम में हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन एक्सेस में लिखा हुआ है, या फिर क्लोरीन एक्सेस में होगी। तो दोनों में ही अलग अलग, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगी, और अगर क्लोरीन गैस एक्सेस में है तो वो क्या बना लेगी, ट्राई हैलाइड NCl3 और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो कौन एक्सेस में होगा ये आप बहुत ध्यान से करोगे, और रिएक्शंस जितनी ज्यादा बार ट्राई करोगे लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती है क्योंकि यहां पर रिएक्शंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स, या ये कह लो एक्टिव मेटल, ऑर्गेनिक में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तो एक्टिव मेटल है मतलब कि जो अमोनिया गैस है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं सोडियम के साथ, ठीक है, तो ये जो मिक्सचर हो गया बहुत ही स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम के साथ करूं तो इसको क्या बोलते हैं, सोडा अमाइड। ठीक है, पोटेशियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाई और क्या बन गया, KNH2। वही भी मेटल है तो क्या करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और ये हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट, रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। तो जो नेस्लर रिएजेंट होता है एक्चुअल में होता क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो होगा वो अल्कलाइन सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, नेस्लर रिएजेंट। तो जब अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करती है तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना देती है। ठीक है, तो मतलब कि इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं, बना लेगी यहां से NH2 HgOHgr प्लस Ai और प्लस H2O, इसको हम क्या बोल देते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ठीक है, और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना लेती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो अमोनिया गैस होती है वो एज ए सोलवेंट काम करती है वाटर के जैसे। ठीक है, और अच्छी बात क्या होगी कि वो नॉन एक्वस होगी, हमें बहुत सारी रिएक्शन में नॉन एक्वस सोलवेंट चाहिए होता है, तो वो अमोनिया वो काम कर देगी। ठीक है, तो अमोनिया एज ए सोलवेंट, ये सोलवेंट भी काम करती है, क्योंकि ये भी वाटर के जैसे सेल्फ आयोनाइज हो जाती है, वाटर के जैसे सेल्फ आयोनाइज हो जाएगी। जैसे वाटर होता है ना H2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वैसा ही कुछ ये आयोनाइज होगी। सो इट डिजोल्व मैनी पोलर सॉल्यूट्स या मैनी पोलर कंपाउंड, बहुत से पोलर कंपाउंड्स को डिजोल्व करने की पावर रखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये थी हमारे पास अमोनिया की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब इसके यूजेस हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो सकता है, एज ए सोलवेंट यूज हो सकता है, वो सब आप कर लोगे, बट जो रिएक्शंस है वो बार बार लिख लिख के देखोगे, अदरवाइज ये भूल जाओगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।